हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी क्लासिक 350 रीबॉर्न पे होने वाली है। ये हाल ही में लॉन्च हुई है। काफ़ी हमारे पास क्वेरी आ रही थी, भैया इस बाइक पे हमने ओल्ड बाइक का टेल चाहिए, तो हमने ये मॉडिफिकेशन ओल्ड वाले टेल इंस्टॉल करने की बनाई है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको हम पूरा प्रोसेस बताएँगे कि करना क्या क्या है इसको लगाने के लिए। तो ओल्ड वाली टेल को लगाने के लिए पहले आपको इसका स्टॉक टेल रिमूव करना है। स्टॉक टेल रिमूव करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, करना यह है कि इसमें 3 बोल्ट आते हैं, जो कि 2 तो आते हैं इसमें नीचे की तरफ, 1 आता है इसके अंदर ऊपर। तो वो आपको बोल्ट इसके खोलने हैं। खोलने के बाद में आपका ये टेल पूरा बाहर आ जाएगा लाइक दिस। ये टेल बाहर आ चुका है। टेल बाहर आने के बाद में आपको इसकी वायरिंग के सॉकेट रिमूव करने हैं। इसमें 2 इंडिकेटर के सॉकेट है, 1 इसमें टेल लाइट का सॉकेट है। तो ये सॉकेट आप रिमूव करके टेल बाहर निकाल लीजिए। टेल बाहर कुछ ऐसा आ जाता है, टेल दिखने में ऐसा होता है। हम इंडिकेटर यही स्टॉक वाले यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इंडिकेटर हम लोग अगर पीछे की तरफ ओल्ड वायर लगाते हैं तो हमें आगे भी ओल्ड लगाने पड़े। आगे ओल्ड लगाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, जुगाड़ कस्टमर को चाहिए नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है, आप पार्ट कोड इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इस पार्ट को हम लोग इस बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। इस पार्ट में आता क्या क्या है आपको खोल के बताते हैं। इस पार्ट में आता ये है कि इसमें फर्स्ट आती है इसके अंदर एक टेल प्लेट, फिर इसके अंदर देन आता है टेल लाइट, यानी ये टेल माउंट, मतलब मीन्स आप मान के चलो इसमें जो टेल लाइट का पूरा फिटिंग कंप्लीट इसमें आता है, रिफ्लेक्टर वगैरह बीडिंग सब कुछ एवरीथिंग इसमें आता है। ठीक है, आपको इसको लगाने के लिए पहले आप एक्यूरेसी इसका पूरा लिख लीजिए। इसमें आपको 2 होल मारने पड़ेंगे। 2 होल मारने के लिए आप पहले इसमें मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट ले लीजिए, जहाँ आपको होल निकाले वहीं होल निकाल लीजिएगा, ताकि आपका मडगार्ड ख़राब ना हो। तो हम लोगों ने ऊपर की तरफ निकाला है 10 नंबर का होल, नीचे निकाला अपन ने 12 नंबर का होल। तो होल निकालने के बाद में हम लोग इसको ईजिली फिट कर सकते हैं। ये 2 बोल्ट पर होता है, इसमें 1 बोल्ट होता है 10 का, नीचे होता है 12 का। ठीक है, तो ये बोल्ट कुछ लगने के बाद में ऐसा फिटिंग हो जाएगा। फिटिंग करने के बाद में हम लोगों को इंडिकेटर लगाने के लिए ये होल जो कि 2 स्टॉक है, ये हमको थोड़ा सा होल को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि ये वाला इंडिकेटर इसमें इंस्टॉल इजीली हो जाए। तो ये इंस्टॉल हम लोग इजीली करेंगे, ये सब काम प्लग इन प्ले वाला होगा। इसके बाद अपन को ये वायरिंग को प्लग इन प्ले करना है, कलर बाय कलर अपन को वायर जोड़नी है। गाड़ी जोड़ने के बाद में आपके इंडिकेटर सब कुछ वर्किंग करेगा, एंड ये टेल लाइट जो टेल लाइट का सॉकेट टेल लाइट में आपको जोड़ देने का है। टेल लाइट का सॉकेट भी सेम आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। तो ये लगने के बाद में कुछ ऐसी लगेगी, इसमें 2 बोल्ट ऊपर लगेंगे 10 नंबर के, 1 बोल्ट 10 नंबर का नीचे लगेगा। ये अपना प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो चुका है, करना कुछ भी नहीं है। जो मैंने पार्ट बताया वो पार्ट कोड आप लाइए, एंड जैसे मैंने बताया वैसे इंस्टॉल कीजिए। तो ये अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इस बाइक में हमने 1 मॉडिफिकेशन और किया था, जैसे कि हैंडल बार हमने ओल्ड बाइक का इसमें इंस्टॉल किया था। तो जो लोग हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, जो लोग नहीं करते हैं जाइए फटाफट हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब आवर वीडियो। एंजॉय द वीडियो।